What advice do you have for students and young professionals who believe that AI will replace coders or computer science engineers? तो मेरा टेक इस पे सबसे पहला तो ये है कि AI जो है हमारी सारी जॉब्स नहीं लेने वाला। जब कंप्यूटर्स आए थे तो उस टाइम भी एक यही थॉट प्रोसेस था कि एक बहुत मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट कंप्यूटर्स आने की वजह से होगा। बहुत सारे प्रोग्राम जनरेटर्स आए, उनसे फिर ये हुआ कि ये सब प्रोग्राम जनरेटर्स तो ऑटोमेटिकली सारे प्रोग्राम्स जनरेट कर देंगे, जो प्रोग्रामर्स हैं उनकी बहुत रिक्वायरमेंट रहेंगी नहीं, काफी जॉब्स इससे कम हो जाएंगी। बट हर बार जब भी ये डेवलपमेंट्स हुई, कुछ जॉब्स पे इम्पैक्ट आया लेकिन बहुत सारी जॉब्स नहीं निकल के आई। बट वन थिंग आई कैन से फॉर श्योर इज AI इज गोइंग टू बी अ बिग अनेबलर। टेक्नोलॉजी जो है वो हमें अनेबल करने के लिए, हमें एफिशिएंट करने के लिए होता है। ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज अ स्टेप अहेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अल्टीमेटली बिकम्स द मास्टर ऑफ ऑल। समवेयर इन द नियर फ्यूचर के ये कम्प्लीटली ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर देंगे। ऑब्वियसली कुछ जो लो एंड जॉब्स हैं वहां पर इम्पैक्ट जरूर आएगा। लो एंड से मेरा मतलब ये कि जो रिपीटेटिव जॉब्स हैं और जिनको मशीन अच्छे से एक पैटर्न से रिपीट और रेप्लीकेट कर सकता है। लेकिन हम जब कोडिंग की बात करें, सो कोडिंग में सारा ही काम ऐसा नहीं हो रहा है कि जो रिपीटेटिव है। सो देयर इज अ हाई एंड कोडिंग, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हम लोग डिजाइन करते हैं, तो वहां पर एक अच्छा एक कंप्यूटर साइंस का नॉलेज आपको चाहिए। तो स्टूडेंट्स को ये समझना है कि वो कंप्यूटर साइंस को कंप्यूटर साइंस की तरह समझें, उन चीजों को वैसे प्रैक्टिकली समझ के इंप्लीमेंट करके सीखें, सिर्फ इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए और कंपनीज में प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने आप को प्रिपेयर ना करें। सो वी शुड ट्राई टू इवॉल्व आवरसेल्फ, वी शुड ट्राई टू अपस्किल आवरसेल्फ एंड वी शुड ट्राई टू मेक आवरसेल्फ रेलेवेंट फॉर द फ्यूचर जॉब्स। कंप्यूटर साइंस का 3 या 4 साल का कोर्स है, उसको आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं और उसको आप सारी चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट्स आप बनाते हैं, सो आई डोंट सी के आपको कहीं कुछ करियर में कुछ प्रॉब्लम आएगा या आपके लिए कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी।